देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। पूर्व सीएम के बयान पर भड़का ब्राह्मण समाज, पुतला फूंक कर किया प्रदर्शन। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली भिंगा के अंतर्गत राष्ट्रीय समाज सेवा दल हिंदू आर्मी के नेताओं ने मंगलवार को लालपुर चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विरोध में प्रदर्शन किया। नेताओं ने लोगों से उनके अपमानजनक बयान का विरोध करने की पुरजोर अपील की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम नारायण पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसमें हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग की है। लक्ष्मी निवास तिवारी के नेतृत्व में आयोजित विरोध प्रदर्शन में विजय कुमार शुक्ला, विजय प्रताप तिवारी, पूर्व ग्राम प्रधान मालिक राम पांडे, रोहित पांडे, आशीष पांडे, रक्षा राम पांडे, छोटकौ पांडे, प्रमोद पांडे, संचित चौधरी, अजय पांडे समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है, पुतला फूंका गया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो जीतन राम मांझी है, बिहार का पूर्व सीएम है, इसने ब्राह्मणों के को लेकर जो है तमाम अभद्र टिप्पणियां उठाई। इसको ये ज्ञात होना चाहिए कि ये एक प्रदेश का सीएम रह चुका है, तो कम से कम इतना तो ज्ञात होना चाहिए कि किसी विशेष जाति को लेकर जो है टिप्पणी ना उठाया जाए। इसलिए इसका जो है यहाँ पे हमारे सभी भाइयों ने मिलकर जो है पुतला दहन किया और इसके खिलाफ नारेबाजी की। तो आप लोगों के द्वारा क्या कार्रवाई की मांग की जा रही है? इसको पहली चीज तो आज एनडीए के लिए सबसे बड़ा शर्मनाक चीज है, इसको एनडीए से बाहर निकालें और इसके ऊपर जो भी मानहानि का दावा हो वो दावा करके और इसके ऊपर उचित कार्यवाही करें। द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका गया है, क्या है पूरा मामला बताएं? पूरा मामला ये है कि आज कई दिन पहले जो सीएम के पूर्व सीएम थे बिहार के, उन्होंने ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किया था। मैं बीजेपी पार्टी और एनडीए में सभी सम्मिलित लोगों से कहना चाहूँगा कि उनको पार्टी से बाहर निकाला जाए और हमारा समाज तब तक संघर्ष करता रहेगा जब तक उनके खिलाफ मानहानि का कोई मुकदमा पंजीकृत भारत सरकार नहीं करती। हमारा पुतला फूंका गया है, क्या है मामला पूरा? आप अपना नाम बताइए और क्या है पूरा मामला? मैं लक्ष्मी निवास तिवारी। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ हम लोग आज पुतला फूंक के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नारेबाजी भी आप लोगों ने किया है, क्या कार्रवाई की मांग की गई है आप लोगों के द्वारा? जब तक उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होता है तब तक